Hey guys, good morning. Welcome to the next day. Basically, today is the next day. So we are going towards to the Atal Tunnel. But सुबह अभी 7:45 के करीब टाइम हुआ है और जाम देखिए, ट्रैफिक जाम मॉर्निंग में. कारण नहीं पता अभी, बट सामने रोहतांग जो हिल्स है वहां पर तो पूरी धूप निकली हुई है, बट कारण नहीं पता क्यों ऐसा. वैसे अटल टनल का टाइम जो एज पर न्यूज है कि 9 से 10 बजे के बीच में ब्रेक होता है वहां पर, तो बंद होती है दैट टाइम. तो टारगेट यही था कि हम 9 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्रॉस कर ले, बट आई थिंक वो पॉसिबल नहीं लग रहा अभी तक जो देख के हालात. और प्रॉब्लम क्या आएगी ये इंडिया में, लोगों के हालात देखिए, दिस इज द क्यू. और मतलब हर किसी को जल्दी है कि आगे बढ़ने की. अब देखिए ट्रैफिक दोनों साइड का इकट्ठा कर दिया, और मैंने जो देखा है यहाँ पर लोकल हिमाचल की गाड़ियां ज्यादा रफ ड्राइविंग करती हैं. जो बाहर से गाड़ियां आई हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी क्यू में है, बट बाहर ये लोकल हिमाचल टैक्सी है ना, वो एक मतलब लाइन तोड़ के. अब देखो दिखा दो, वो देखना जरा, वो जिप्सी है. अब इधर से लाइन बंद पड़ी है और जिप्सी देखिए कैसे निकल रही है, दिख रहा होगा आपको. देखिए तो वन ऑफ द रीजन क्या बोल सकते हैं, देखते हैं कि खुलती है कब खुलती है, बताते हैं, अपडेट करेंगे. बहुत ज्यादा ठंड है, सवेर दे निकल रहे हैं, चाह भी नहीं पीती, चाह बिना मेरा कोई गुजारा नहीं है. रश बहुत है, देखो लाइना लगी हुई है, देख रहे हैं उनकी तो चाह लेने लग ली है. इतने पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उन्हीं देर चाय पी लिए, पीने लगे चाय कॉफी, चाय 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 थोड़े चाय. सो गाइस स्टिल वी आर इन जैम फ्रॉम लास्ट वन एंड वन आवर्स 15 मिनट अराउंड. सो हाँ जी, फिर जाम से लगे हैं, चाह आ रही है, मैगी आ रही है, तो चाह का एंजॉय करेंगे. एक्चुअली की है कारण पता लग गया जाम का क्या है, कि बेसिकली ट्रैफिक जाम का कारण है ये है कि आगे स्नो पड़ी हुई थी, तो स्नो में ब्लैक आइस की वजह से कि गाड़ियां ज्यादा फिसलन ना करें, तो प्रशासन ने क्या किया है कि अभी 4x4 की एंट्री अलाउ की है, तो एक घंटे के बाद उनका मतलब जो प्लानिंग है कि वहाँ ब्लैक आइस है नॉर्मलाइज में कन्वर्ट, या सड़क साफ होगी तो नॉर्मल गाड़ियाँ फ्रंट व्हील या टू व्हील्स गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं. तो उम्मीद है ये हम भी जल्दी आधे घंटे में निकलेंगे, डेढ़ घंटे बाद जाके जाम खुल गया, थोड़ा बाद डेढ़ घंटे बाद चलने हैं, इतना शुक्र है थोड़ी चाह पीने मिल गई.
के बाद हमने अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ टुडे वो अचीव कर ली है। प्रशासन ने तो बहुत ज्यादा गाड़ियां वापस कर लो, बट हमने वापस लगा भी दी थी, बट हमने बोला नहीं पैदल जाके देखते हैं। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट हमें वहां से मैसेज आया कि यहाँ गाड़ियां जानी शुरू हो गई है, तो हमें 10 मिनट लगे वहां तक पहुंचने में। उसके बाद बड़ा एंजॉय है, बच्चों के लिए नया एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ। यहाँ पर हमें पुलिस ने रोक लिया था। बेसिकली कारण ये था कि जो बच्चे पीछे बैठे हुए थे विंडो से बाहर आके वीडियो बना रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा अलाउड से ज़्यादा ही उनका बॉडी बाहर था। जो पुलिस को देखा कि ये पुलिस ने देखा बेसिकली कि मटगस्ती हो रही है, एक्चुअली ये नहीं था। तो जो बच्चे थे थोड़े एक्साइटमेंट में थे कि बाहर का सीन रिकॉर्डेड करना है अपने मोबाइल में, तो इस कारण देवल आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। बट जब भी अटल टनल क्रॉस हुई तब पुलिस ने हमें हाथ दे दिया और रोक लिया और बोला कि चलान काटना है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है कि बच्चे थोड़ा एक्साइटमेंट में बाहर आ गए हैं, तो वी आर फीलिंग सॉरी। 2-3 बार कहने के बाद उन्होंने बोला कि आप निकल जाओ आगे, नेक्स्ट आगे कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गाड़ी बोन कर देंगे। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ एट पर देयर मीन ये डेंजर है, आप नहीं निकल सकते व्हीकल से बाहर और कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते यहाँ पर। तो वी आर एग्री एक्चुअली। अब किड्स को समझा दिया पीछे बैठे हुए थे कि आप ऐसा कुछ भी मत करना जिसके कारण हमें परेशानी झेलनी पड़े और फर्दर हमारी कोई भी गाड़ी के ऊपर चलान हो या गाड़ी को बाउंड हो या लीगली कोई एक्शन हो, तो दे आर एग्री एक्चुअली। चलो आगे दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन है आगे। हाँ जी, साडा डेवलपमेंट फी बैरियर, बेसिकली शिशु को पार करने के लिए हमें ये फीस जो शायद लोकल प्रशासन ने लगाई हुई है हमें क्लियर करनी पड़ती है। तो आई थिंक पर्ची काट ली गई है, मैंने शुभम को भेजा हुआ है, लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है उसके बाद के। लोकल नहीं है, लोकल रिक्वायरमेंट नहीं है जो टैक्सी या लोकल गाड़ियां हैं जी, ये जस्ट बाहर की गाड़ियों के लिए है। तो पर्ची कट गई है। हम जा रहे हैं केलोंग की तरफ, जो कि
अटल क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड टर्न करोगे तो ये ले वाली रोड है, आगे जाके ये ले लद्दाख को मिलती है। तो हम किलोंग से थोड़ा सा पहले ही रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो अटल टनल से पहले जो ये रास्ता था वो बंद हो जाता था, बिकॉज अटल पहले रास्ता रोहतांग बाईपास की तरफ से होके आता था। रोहतांग में इतनी बर्फ पड़ती थी, आना जाना सब बंद हो जाता था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं अपना 3-4 महीनों का राशन लेके या अपना जो भी चाहिए सामान लेके स्टोर करते थे अभी, बट अटल टनल बनने से उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई। और उससे पहले क्या था कि किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती थी तो उनको ले जाने के लिए एयर सर्विस लेनी पड़ती थी, तो बहुत मुश्किल था रहना यहाँ पर सर्वाइव करना। अटल टनल क्रॉस होने के बाद तो ये सारा इजी हो गया। तो ये देखिए साइड पे भी बर्फ़ जमी हुई है जो पानी आ रहा था। तो दिस इज़ वेरी वेरी ऑसम व्यू एक्चुअली, जो मैं अभी वीडियो में हम नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे, जो मैंने पहले भी बोला ही लिखा है, बहुत ही बढ़िया व्यू, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। तो मैं कह रहा था कि गांव वाले जो थे वो उनको 3-4 महीने के लिए बिल्कुल ब्लॉक हो जाते थे, बट अटल टनल बनने के बाद अभी उनका जो आना जाना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो प्रशासन इमीजिएटली उसको 2-3 दिनों में साफ़ कर देता है और जो आवाजाही है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देता है। तो हम शीशु क्रॉस कर चुके हैं आई थिंक ऑलमोस्ट, उसके आगे हम अपना जो रुकने का प्लान कर रहे हैं जो किलोंग से 2-4 किलोमीटर पहले का ही जगह है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम होंगे, तो ईजिली हम बच्चे वहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। तो कंटिन्यू जाके दिखाते हैं आपको। बड़ा वधिया जी, चारों तरफ स्नो है, चारों तरफ स्नो है। ते असी अपनी तैयारी कीती पई है, दिखावांगे तुहानू की बंदा पिया नजारा आ रहा। बच्चे खेल रहे है, बच्चे खेल रहे है। सब ठंड मौसम चारों तरफ, और तनीषा की थोड़ी थोड़ी तबीयत लग रही खराब, मतलब उसको लग रहा है वॉन्डिंग आ रही है। ड्यू और उसके लिए चॉकलेट्स, एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढाबा
खुला हुआ था, तो हम आ गए यहाँ पर। बहुत बढ़िया नज़ारे है जी। फोटो ठीक नहीं आ रही होगी बट क्या करूं। हाय हाय। किधर कैडा नहीं मतलब किधर ही फीलिंग है चट्टन काके किधर है थोड़ा काके टेस्ट कराइयो काके थोड़ा टेस्ट करके दसना बेटा हल्का टेस्ट करना मम्मा मैगी खानी है जी किदा लग रहा सही दसो नजारा बोला रहा। हमने खा लिया खाना अपना सारा, बहुत मजा आया। रात दो घंटे से अलग अलग डिफरेंट आए थे और हमने कूड़ा भी सारा इकट्ठा कर दिया सारा इसमें, इसको डस्टबिन में डाल देंगे और बाकी पूरा मैदान साफ। चलो चलिए नीचे उधर आ जाओ। चले चलो चलो चल दो चल। डॉगी आ गया जी, तंग कर रहा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। आ जा बस इतनी बनाऊंगी मैं वीडियो मैन्यू।